नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट गुरु जाना जाता अपनी फैंस की नज़रों में सटीक मौकों में सटीक एनालिसिस और रोमांचक क्रिकेट खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, युवा पीढ़ी के लिए क्रिकेट में करियर बनाने का निर्णय काफ़ी भारी हो सकता है और उनके पेरेंट्स के लिए भी इसमें उनका पूरी तरह साथ देना बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नेशनल टीम का हिस्सा बनना क्रिकेट का सबसे बड़ा सौभाग्य है, मगर इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत और हिम्मत की मशक्क़त करनी पड़ती है। देश हित की ज़रूरतों को समझते हुए भारतीय क्रिकेट टीम का प्लेइंग 11 के हिस्सा बनना ज़रूर हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा है, मगर इसका ज़रा भी ये मतलब नहीं है कि आप एक क्रिकेटर के करियर परस्यू नहीं कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल में कनाडा में हो रहे ग्लोबल प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट सुल्किया में थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई चुनिंदा खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, केन विलियमसन, शकीब अल हसन के साथ साथ युवराज सिंह जैसे नाम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। कनाडा में हो रहे इस T20 टूर्नामेंट साफ बात का संकेत है कि क्रिकेट की दिलचस्पी अन्य देशों में भी जोर शोर से बढ़ रही है और खेल से जुड़ने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक लीग्स की शुरुआत होगी। आगे आने वाले सालों में ये लीग्स और जोर शोर से बढ़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि विश्व भर में क्रिकेटर्स की मांग बढ़ने वाली है और सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टैलेंट को देख कर तो यही लगता है कि मैनेजर्स उनमें खास दिलचस्पी रखने वाले हैं। क्रिकेट कुछ सालों में फुटबॉल की फॉर्मेट को फॉलो करेगा और जिस तरह इजिप्ट के मोहम्मद सलाह, क्वेटा डी आइवरी के डीडियर ड्रोगबा और पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपियन और स्पैनिश लीग्स के सुपरस्टार बन चुके हैं, उसी तरह साउथ एशिया के क्रिकेटर्स आपको अन्य देशों तक क्रिकेट पहुँचाने पर अपना योगदान देते नज़र आएंगे। और क्रिकेट की दुनिया में ऐसे बहुत से किस्से पहले भी नज़र आए हैं, जैसे वेस्टइंडीज़ के जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और खुद इंग्लैंड के कैप्टन इयन मॉर्गन जो कि आयरलैंड से है और अब इंग्लैंड टीम के पहले कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने अपनी देश को वर्ल्ड कप जिताया है। इंडियन क्रिकेटर्स को ये विकल्प को थोड़ा महत्व देना होगा। इसके अलावा हाल ही फिलहाल में आए हूपर HQ के एक सर्वे में इंस्टाग्राम की दुनिया में विराट कोहली टॉप अर्निंग स्पोर्ट्समैन की सूची में 9वें स्थान पर है और इंस्टाग्राम के ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो वो 23वें स्थान पर थे। वो इस लिस्ट के अकेले क्रिकेटर है और अकेले भारतीय पुरुष भी है। ये साफ जताता है कि भारतीय क्रिकेट की ब्रांड जोर शोर से दुनिया भर में बोल रहा है और इंडियन बैट्समैन की मार्केट ट्रेड्स इन लीग्स के लिए बहुत अच्छी खासी रहेगी। ये कहते हुए हम अपने सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को ये बताना चाहेंगे कि क्रिकेट को करियर बनाना इस पल एक बेहद अच्छा विकल्प माना जा सकता है और अगर क्रिकेट खेलना आपके जुनून में है तो आपको अपने जुनून को जीने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।